हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो कोरोना कवरेज में हमारी खास सीरीज रेड जोन आप देख रहे हैं। लॉकडाउन 3 आने के बाद देश 3 जोन में बढ़ चुका है, इसलिए यह जानना और समझना बहुत जरूरी है कि रेड जोन वाला खतरा कहां कहां है और क्यों है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के साथ। महाराष्ट्र की बात की जाए तो कोरोना का सबसे ज्यादा यहां पर कहर है। महाराष्ट्र में पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 11,506 है। 485 लोगों की कोरोना की वजह से जान जा चुकी है इस राज्य में। अगर जोन्स के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र के 14 जिले रेड जोन में हैं, वहीं 16 जिले ऑरेंज जोन में आ चुके हैं और बस 6 जिले हैं जो सेफ हैं यानी ग्रीन जोन में हैं। 1,000 से भी ज्यादा कंटेनमेंट जोन के साथ मुंबई यहां का सबसे बड़ा रेड जोन बना हुआ है। तो क्या हो रहा है महाराष्ट्र में, आइए आपको दिखाते हैं जितेंद्र दीक्षित की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अपनी पूरी ताकत से असर दिखा रहा है। ना तो प्रदेश में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है, ना ही मरने वालों की संख्या कम हो रही है। प्रदेश के 52 में से 33 जिले कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। मध्य प्रदेश की एक महीने पुरानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार इस बीमारी को काबू करने में भले ही असरहीन दिख रही हो, मगर प्रदेश के गरीब किसान और मजदूरों के लिए वो जो काम कर रही है उसकी सराहना हो रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बीता हफ्ता दो अच्छी खबरें लेकर आया। एक तो चुनाव आयोग ने उनकी इस मांग को मान लिया है कि एमएलसी के चुनाव जल्दी कराए जाएं, इससे उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी बच जाएगी। और दूसरा ये कि केंद्र सरकार ने देश भर में जगह जगह पर जो प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं उनको निकालने की खातिर मंजूरी दे दी है, इससे महाराष्ट्र सरकार को काफी राहत मिलेगी। ये तमाम मजदूर मुंबई से उत्तर प्रदेश की ओर धूप में पैदल चलकर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इनके पैसे खत्म हो गए हैं, रोजगार नहीं है और खाना ठीक से नहीं मिल पा रहा। ट्रेनें बंद हैं, इसलिए पैदल चलने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं। अब ऐसे मजदूरों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने निजी वाहनों के जरिए मजदूरों को उनके गृह राज्य जाने के लिए छूट दे दी है। इसके लिए उनको स्थानीय प्रशासन के पास अपना नाम रजिस्टर कराना होगा। कलेक्टर के पास जो फॉर्म वो इश्यू करेंगे उसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, कौन से राज्य में आप अटके पड़े हैं वहां का नाम, वहां के जिले का नाम, वहां के तालुका का नाम, वहां के गांव का नाम, या महाराष्ट्र में किस तालुका में या किस जिले में आप अटके पड़े हैं वहां का नाम। उसी प्रकार आप अकेले हैं या परिवार के साथ हैं, आपका खुद का व्हीकल है या आपका खुद का व्हीकल नहीं है, ये पूरी डिटेल जो कलेक्टर फॉर्म देगा उसमें आपको भर के देना है और कलेक्टर की परमिशन मिलने के बाद ही आपको अपने राज्य में या महाराष्ट्र में अपने गांव में जाने दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक राज्य में 6.5 लाख मजदूर दूसरे राज्यों के मौजूद हैं। राज्य सरकार की ओर से बार बार केंद्र से निवेदन किया जा रहा था इन्हें निकालने के लिए या तो ट्रेनें चलाई जाएं या वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं। सरकार पर ऐसे लोगों के भरण पोषण का दबाव था। हालांकि अब मजदूरों को निकालने की इजाजत मिल गई है, लेकिन कुछ उत्तर भारतीय नेताओं के मुताबिक ट्रेनों को चलाया जाना जरूरी है, मजदूर बसों और निजी गाड़ी का खर्च वहन नहीं कर पाएंगे। मेरा कहना है कि मुंबई शुरू करिए, थाना शुरू करिए, कल्याण करिए, लेकिन ट्रेन के सिवा अल्टरनेट कुछ नहीं है। और एक बस में अगर 6,000 रुपया एक पैसेंजर का भाड़ा होगा भर के जाएगा तो कहां भर सकता है श्रमिक मजदूर जो खाने के लिए मर रहा है। इसलिए जो भी सुविधा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा कि आदमी की जिंदगी के साथ उनको मतलब उनको सब सुविधा देनी चाहिए, ये सारी जवाबदारी सरकार की होनी चाहिए और उन गरीबों को भेजने की जवाबदारी सरकार की होनी चाहिए और ये करना ही चाहिए। दूसरे राज्यों के मजदूरों को निकाले जाने के फैसले से महाराष्ट्र को और खास करके मुंबई को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि मुंबई में इस तरह के प्रवासी मजदूर ज्यादातर झुग्गी बस्तियों में रहते हैं। ये ऐसी झुग्गी बस्तियां हैं जहां पर पतली सकरी गलियों के इर्द गिर्द छोटे छोटे कमरों में 5 से लेकर 15 लोग तक रहते हैं और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता और कोरोना के संक्रमण का बड़े पैमाने पर फैलने का खतरा बना रहता है। अब जब इन मजदूरों को इनके गृह राज्य वापस लौटने की इजाजत मिल गई है तो ऐसे में सरकार के लिए इस जिम्मेदारी से भी थोड़ी सी राहत मिली है, जो कि इनको खिलाने पिलाने की थी, इनका भरण पोषण करने की थी और इसके साथ साथ
ऐसे इलाकों में चूंकि भीड़ भी कम होगी तो कोरोना की रोकथाम में भी मदद हो सकेगी। कोरोना के कहर से वे लोग भी लगातार प्रभावित हो रहे हैं जो कि इस वायरस के खिलाफ जंग में किसी न किसी तरह की भूमिका निभा रहे हैं। लॉकडाउन पर अमल करवाने वाले महाराष्ट्र पुलिस के करीब 50 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मुंबई के 3 पुलिसकर्मियों की अब तक कोरोना से संक्रमण के कारण मौत हो चुकी है। राज्य के तमाम जिलों की सीमाएं सील हैं और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के वाहनों को ही आने जाने की छूट दी जा रही है। हालांकि पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के वक्त एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है, लेकिन कोरोना से संक्रमित होने का जोखिम उन पर बना हुआ है। राज्य में बढ़ रही कोरोना संक्रमित पुलिसकर्मियों की संख्या देखते हुए उनकी खातिर विशेष हेल्पलाइन नंबर बनाई गई है और अस्पतालों में भी उनके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हमको यहाँ पुलिस आयुक्त की तरफ से हमको बार बार कहा जाता है कि आप अपनी सावधानी रखो, लंबे से डिस्टेंस रखो और मास्क लगाए, शील्ड लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भी सुरक्षा रख दीजिए, क्योंकि आप भी एक समाज के घटक हैं। महाराष्ट्र अब भी देश का सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित मरीजों का राज्य बना हुआ है। राज्य के मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहर अब भी रेड जोन में शामिल हैं। मुंबई के धारावी की झुग्गी बस्ती में लगातार कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मुंबई में करीब 1000 के ऊपर कंटेनमेंट जोन अब तक बन चुके हैं। महाराष्ट्र में शुक्रवार रात तक कोरोना प्रभावित मरीजों का आंकड़ा 11,506 तक हो गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 485 तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे अपने सामने आई दो चुनौतियों में से एक को पार कर चुके हैं। सियासी चुनौती वो जीत चुके हैं, उनकी कुर्सी का बचना अब लगभग तय हो चुका है, वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन कोरोना की चुनौती, इस महामारी की चुनौती अब भी जारी है और लोगों की निगाहें इसी बात पर लगी हुई हैं कि उद्धव ठाकरे कब महाराष्ट्र को कोरोना मुक्त कर पाते हैं। कैमरामैन अजीत कदम के साथ जितेंद्र दीक्षित, एबीपी न्यूज़, मुंबई।